बात डॉक्टर झटका, आप कितनी सुंदर जगह घुमाने लेकर आए हैं। डॉक्टर साहब नमस्ते, बहुत अच्छा हुआ कि आप लोग यहाँ घूमने आ गए। अरे भैया, आप भी डॉक्टर साहब को जानते हैं? हाँ, ये तो मेरे खास दोस्त हैं। ओ सज्जन यार, अब तबीयत कैसी है? पहले से ज्यादा खराब है। अब पिछले हफ्ते जो दवा दी थी वो दवाई खा ली थी ना? नहीं, दवाई की शीशी तो भरी थी। मेरा मतलब है दवा ले ली थी। जी हाँ, आपने दी तो मैंने ली। अरे बेवकूफ, दवाई पी ली थी? नहीं डॉक्टर साहब, दवाई तो लाल थी। अबे गधे, दवाई को पी लिया था? अरे नहीं साहब, पी लिया तो मुझे था। दफा हो जाए यहाँ से यार, तू तो मुझे पागल करके छोड़ेगा। भैया आपके सामने इन्होंने मुझे मारा और आप देखते रहे, माँ जी को जाके सब बताऊंगा। वो आदमी ऐसे क्यों बात कर रहा था जैसे कि मुझे जानता हो? क्या भैया, आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और आप यहाँ हो? ये लो अपने 5,000। और हाँ सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। मुझे मालूम है तुम पुलिस में शिकायत करना चाहते हो कि मैंने रुपए नहीं दिए और मुझे जेल भेजना चाहते हो। तुम कौन हो भाई? मुझे नहीं चाहिए ये रुपए। नहीं नहीं, तुम्हें ये रुपए लेने ही होंगे। हाँ मैं नहीं लूंगा। मुझे क्यों मार रहे हो? अगर पुलिस में शिकायत की तो देख लेना। जाओ, 5,000 रुपए मिल गए, चलो पार्टी करते हैं। मैं किसी को पार्टी नहीं दूंगा, ये रुपए मैं उसे वापस करके रहूंगा। टकलू, तू निकम्मा है, नालायक है। जब तक उस शर्मा से वो 5,000 वापस लेकर नहीं आता, मैं तुझे घर में घुसने नहीं दूंगी। ठीक है, जब तक मैं वो रुपए नहीं लूंगा वापस नहीं आऊंगा। उधर उधर, बाहर जाने का रास्ता उधर है। ये देखो, पतलू तो पहले ही यहाँ आके बैठा है। तुम यहाँ कब आए? अभी अभी। तुम लोग कौन हो? ओए मेरे यार, मेरे भाई, सब रुपए अकेले ही खा जाना चाहते हो क्या? कैसे रुपए? अब नाटक बंद करो वरना वो 5,000 छीन लेंगे। कौन से 5,000? तुम लोगों का दिमाग तो ठीक है? इसकी जेब से रुपए निकाल लो। रुपयों की लालच में अपने दोस्तों को भी नहीं पहचान रहा। हमें पहचान नहीं रहे और हमसे पीछा छुड़ा के भाग रहे हो। जिसको देखो मुझे...
मुझे मार रहा है। पहले उस आदमी ने मारा, अब तुम मार रहे हो। ओ पत्तू मेरे यार, रो मत, चल ढाबे में चल के पार्टी करते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं चला अपने घर वापस, यहाँ सिर्फ मार ही पड़ रही है। ए शर्मा, एक साल हो गए, मेरे 5,000 रुपए कब दोगे? आज मैं लेकर ही रहूंगा। आज ही सुबह तो तुम्हें वापस किए। क्या, आज ही वापस किए? इतना बड़ा झूठ, ऐसा लगता है तुम रुपए देना नहीं चाहते। मैं रुपए लेकर ही रहूंगा। आप कौन है? मैं तो आपको नहीं जानता। मुझे नहीं जानता? मेरे लाल, मेरे नीले, मेरे हरे, मेरे पीले, माँ ने जरा सा गुस्सा क्या कर दिया? अपनी माँ को ही भूल गया टकलू। अरे अरे, ये क्या कर रही है आप? सुनिए तो, मैं आपका लाल, हरा, पीला, नीला नहीं हूँ। इधर भी नहीं है। टकलू बेटा, खा, जल्दी खा, मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं खाएगा। बस, और नहीं खा सकता। और चाहिए? ये ले, और ले। मेरा टकलू एक दिन में कितना दुबला हो गया। और नहीं चाहिए, बस करो। मैं आपका बेटा नहीं, मैं आपका टकलू नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। पतलू, अब तुम बच के कहाँ जाओगे? मैं पतलू नहीं हूँ, मैं पतलू नहीं हूँ, मैं पतलू नहीं हूँ। ये मेरी आवाज का इको गलत कैसे हो गया? मैं आपका टकलू नहीं हूँ, मैं पतलू नहीं हूँ। हाँ, ये तो मेरे बेटे की आवाज है। ये तो पतलू की आवाज है। माँ देखो, ये लोग मुझे पतलू पतलू कह के पीट रहे हैं। अरे ये कौन है? ये तो एकदम मेरे जैसा है। तो तुम्हारी वजह से मुझे सुबह से मार पड़ रही है, और तुम्हारी वजह से मुझे मार पड़ रही है। माफ करना बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि दो लोगों की शक्ल इतनी मिल सकती है। वो कहते हैं यार कि दुनिया में एक ही तरह के 7 चेहरे होते हैं। आओ बेटा, अंदर आओ, सब लोग खाना खा के जाना। नहीं नहीं, आज नहीं, आज के हिस्से का खाना पीना और मार सब खा लिया है, अब फिर कभी आएंगे। टकलू, ये लो तुम्हारे 5,000 रुपए जो किसी आदमी ने गलती से मुझे दे दिए थे। ओह, मैंने बेचारे को बेकार ही मार पीट दिया। थैंक यू पतलू। ठीक है बेटा, तुम्हारा ही घर है, जब चाहो आ जाना। चलो अब कहीं चल के खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। वो देखो टकलू, मुझसे रुपए लेकर दोबारा मांग रहा है। छोड़ना मत उसे, मारो। भागो, यहाँ खाना नहीं मिलेगा, सिर्फ मार ही मिलेगी खाने को। क्या
चंपी करवा लो चंपी चंपी। सर जो तेरा टकला हो, कम हो या ज्यादा हो, तेल मेरा है ऐसा प्यारे, लंबे बाल उगाए, चंपी करवा लो चंपी। लंबे बाल उगाए? सच? एकदम सच। अगर झूठ हो तो मैं टकला हो जाऊं, बाल न उगे तो पैसा वापस। आओ फिर कर दो मालिश। भाई मजा आ गया। पतलू तुम भी चंपी करवा लो, ये बहुत अच्छी चंपी करता है। अच्छा भैया मेरे सर पे भी कर दो चंपी। अरे ऐसे क्या देख रहे हो, तुम सबने कभी आदमी नहीं देखे क्या? आदमी तो देखे लेकिन आप जैसे आदमी पहली बार देख रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो, हमारे अंदर ऐसी क्या खास बात है? आपके अंदर नहीं, आपके ऊपर ऐसी खास बात है। क्या हमें बता सकते हैं आप अपने सिर पे इतनी सुंदर घास कैसे उगाए? हमारे सिर पे घास? ये क्या हो गया, कैसे हो गया? ये तुम्हारी चंपी वाले के तेल से हुआ है। और कराओ चंपी, अपने साथ मुझे भी नमूना बना दिया। मोटो जल्दी कुछ करो, ये घास तो निकल ही नहीं रही। मैं क्या करूं, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ सोचो। क्या करूं, ये मालिश शायद काम आ जाए। आइडिया। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये तो वापस बड़ी हो गई। भाई साहब रुकिए, आपका इंटरव्यू लेना है। आपकी फोटो खींचनी भाई साहब। ऑटोग्राफ चाहिए। हरी हरी घास। हुर, अरे क्या कर रही हो, ये मेरे सिर के बाल हैं। हुस, चुप करो, घसीटा राम ने देख लिया तो जिंदगी भर हमारा मजाक उड़ाएगा। बड़ी बहना रुक जाओ प्लीज, वो तुम्हारा चारा नहीं मेरा दोस्त है, रुक जाओ वरना मैं पुलिस में खबर कर दूंगा। मोटू बचाओ। अरे ये अपने पास आने दे तभी तो बचाओ। अरे मुझे यही कूद के आना था। नहीं नहीं रुक जाओ। Oh, my God.
बस अब रुक जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस बहुत हो गया, क्या समझती हो अपने आप को? एक आदमी के सिर पे होगी घास खा रही हो? इंसान को अपने सिर पे घास उगाने का हक नहीं है क्या? तुम्हें कोई शर्म है? तुम्हारी कोई इज्जत भी है? कहीं भी जाके किसी के भी सिर पे घास खाने लगोगी? निर्लज, बेशरम, सड़क छाप, हम इंसानों को जीने का हक नहीं है क्या? सोचो सोचो, चुप क्यों हो? सॉरी। वाह मोटू वाह, क्या भाषण दिया, तुम्हें तो नेता होना चाहिए था। आइडिया। चलो जल्दी से कुछ समोसे खा लेते हैं। यहाँ इतना बुरा हाल हो रहा है और तुम्हें समोसे की पड़ी है? भैया जल्दी से कुछ समोसे खिला दो, इससे पहले कि घास बढ़ जाए। क्या क्या कहा? इसका मतलब है जल्दी से समोसे दो, वरना भूख बढ़ जाएगी। ये लो समोसे और जल्दी से पैसे भी दे दो। अरे ये तुम दोनों ने सिर पे कपड़ा क्यों बांध रखा है? अभी अभी नहा के आए हैं, बाल गीले हैं ना। है? बाल गीले हैं? है? ये क्या है? कुछ नहीं कुछ नहीं। कुछ तो है। भैया बचा लो। डॉक्टर झटका, हमें बचा लो प्लीज। ओए मोटू मेरे भाई, मेरे यार क्या हुआ ये तो बताओ। उड़ी बाबा, तुम दोनों तो ऐसे रो रहा है जैसे कोई बड़ी मुसीबत में फंसा है। अरे बड़ी नहीं, बहुत बड़ी मुसीबत है, ये देखो। बड़े भैया पंखे से उलझने के लिए तो जिंदगी पड़ी है, पहले हमारे सिर से ये घास तो निकाल दो। ओ तो वो दोनों तुम ही हो, हर तरफ खबर फैली है कि दो आदमियों ने सिर पे तेल मालिश करवाई और उनके सिर पे घास उगाई। वो बदनसीब हम ही है, हमें बचा लो। और ये बम तुम्हारे सर की घास में लगा के ब्लास्ट कर दूंगा और फिर देखना, ना रहेगा सर और ना रहेगी घास। क्या? मजाक कर रहा हूँ यार। ओ सॉरी, लेकिन मैं अब उसका इलाज ले आया हूँ। ये देखो स्प्रे, इसे स्प्रे करते ही ना ना रहेगी घास और ना ये झंझट। हाँ यार। डॉक्टर झटका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। ओए पल्ले पल्ले, ओए पल्ले पल्ले। बस इन फूलों की ही कमी थी, वो भी तुमने पूरी कर दी। ये क्या, पहले ही हम कम नमूने दिख रहे थे क्या, जो हमें और नमूना बना दिया? अरे कुछ दिन का तो बात है, क्यों ना कुछ पैसा कमा लिया जाए। पैसे कैसे? अरे पैसा कमाने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है, ये वादा करता हूँ कि खूब कमाई होगी और हम लोग आपस में बांट लेंगे। फिर मोटू तुम जितना चाहे समोसे खा लेना। हमें मंजूर है। अरे भाई वो लाल और नीले फूलों का बुके बना दो। मुझे सब रंग के एक एक फूल मिक्स करके दे दो। कमाल के प्लांट्स लगाए हैं, देखो देखो फूल तोड़ते ही दूसरे फूल उसी जगह पे निकल आते हैं। अरे आप इतने चमत्कारी प्लांट्स कहाँ से लेके आए? उड़ी बाबा मत पूछो कि हम ये चमत्कारी प्लांट कहाँ से लाया। ये हमारा ट्रेड सीक्रेट है, हम नहीं बता सकते कि ये प्लांट्स हम कितनी दूर और कितनी मुश्किल से लाए।